हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल सिराज शेख। आज मैट्राइसिस का लेक्चर नंबर 5 है, जिसमें हम कवर करेंगे एक्सरसाइज 2.3 के रिमेनिंग सम। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8, देखते हैं क्या दिया है। इफ ए इज अ मैट्रिक्स, शो दैट ए स्क्वायर माइनस 4A इज अ स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स का मतलब जब डायगनल में सेम नंबर होगा और नॉन डायगनल क्या रहेगा, जीरो, इसे आप स्केलर मैट्रिक्स कहते हो। चलिए ठीक है, आपको मैट्रिक्स ए दिया है, बताइए क्या दिया। ए इज इक्वल टू 1 2 2 2 2 1 2 2 2 1। ये मेरा मैट्रिक्स ए है और मुझे बोला है शो दैट ए स्क्वायर माइनस 4A इज अ स्केलर मैट्रिक्स। तो पहले तो मुझे ए स्क्वायर फाइंड करना पड़ेगा, फिर 4A फाइंड करना पड़ेगा, इन दोनों को माइनस करना पड़ेगा, जो आंसर आएगा उसको ऑब्जर्व करूंगा और फिर आंसर बोलूंगा स्केलर है या नहीं है। डायरेक्टली सॉल्व कर रहा हूं, ए स्क्वायर माइनस 4A इज इक्वल टू, ए स्क्वायर का मतलब क्या है, ए इंटू ए, हाँ या नहीं। ए स्क्वायर पिछले लेक्चर में हमने देखा था, शाहरुख काजल मल्टीप्लीकेशन वाला, ए स्क्वायर माइनस 4A। ए स्क्वायर मतलब 1 2 2 2 1 2 2 2 1, ए फिर से 1 2 2 2 1 2 2 2 1, ए स्क्वायर माइनस 4A 1 2 2 2 1 2 2 2 1, बराबर है। अब इधर मल्टीप्लाई करने का रूल क्या है, पहले मैट्रिक्स का शाहरुख बोले तो रो, दूसरे मैट्रिक्स का कॉलम बोले तो काजल, पहला वैल्यू पहले के साथ, दूसरा वैल्यू दूसरे के साथ, तीसरा वैल्यू तीसरे के साथ, याद आया। चलिए ठीक है, 1 1 1 प्लस 2 2 4 प्लस 2 2 4, अरे मल्टीप्लीकेशन समझा। अब कॉलम और एक है, और एक बार मल्टीप्लाई, 1 2 2 प्लस 2 1 2 प्लस 2 2 4, अरे ये समझा क्या, समझा। और एक कॉलम है, और एक बार मल्टीप्लाई करेंगे, यहां पे 1 2 2 प्लस 2 2 4 प्लस 1 2 2, कॉलम खत्म बॉक्स खत्म, अरे समझा। अभी सेकेंड शाहरुख, फिर से सेम प्रोसेस, 2 1 2 प्लस 1 2 2 प्लस 2 2 4, अरे बराबर है, यहां पे 2 2 4 1 1 1 1 2 4, क्लियर हुआ। यहां पे आ जाएगी, क्या आ जाएगा देखो, 2 2 4 1 2 2 2 1 2, क्लियर है, यहां पे आ जाएंगे। यहां पे आपको आएगा देखो क्या, 2 4 2, देखो आ रहा है क्या, बराबर है 4 2 2। सर इतना फास्ट कैसे लिख सकते आप, सही है ना, क्योंकि ये एक स्केलर मैट्रिक्स भी है और सिमेट्री मैट्रिक्स भी है। स्केलर मैट्रिक्स इज अ सिमेट्री मैट्रिक्स, हमेशा याद रखना, सिमेट्री सिमेट्री सिमेट्री, इसीलिए मैं ऐसा लिख रहा हूं। अब यहां पे कैसे 1 4 4 1 बीच में आया है, तो अभी इधर आगे आएगा 1 4 4, देखो मल्टीप्लाई करके 2 2 4, किधर गया, लास्ट वाला चालू है ना, तो 2 2 4, पहले 4 आएगा फिर लास्ट में 1 आ जाएगा, 2 2 4 एंड 1, क्लियर है। ये आपका ए स्क्वायर का आंसर आया, माइनस 4A 4 8 8 8 4 4 सॉरी 8 8 8 4, बराबर। चलिए माइनस करना है, 8 plus 1 9 4 plus 4 8 8 8 9 8 8 8 9 minus 4 8 8 8 4 8 8 8 4, बराबर माइनस करेंगे, विच इज इक्वल्स टू 9 में से 4 जाएगा तो 0 5 0 5,
कौन सा मैट्रिक्स है ये? डायगनल में सेम नंबर है, नॉन डायगनल जीरो है, तो ऐसे मैट्रिक्स को क्या कहते हैं? स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। हेंस प्रूफ हो गया सम तुम्हारा। अरे समझा। चलिए बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया? एक छोटा सा मैट्रिक्स दिया है और बोला है k का वैल्यू फाइंड करो सच दैट a स्क्वायर माइनस 8a माइनस k i का आंसर जो है वो 0 है और i जो है ये 2×2 का यूनिट मैट्रिक्स है एंड 0 एक नल मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 0 है। नहीं भी बोला रहता तो भी हम इसे ऐसे ही सॉल्व करते। क्वेश्चन नंबर 9 a मैट्रिक्स दिया है। क्या दिया है बोलो? a मैट्रिक्स 1, 0, -1, 7 ये मेरा a मैट्रिक्स है। और कंडीशन क्या दिया देखो? a स्क्वायर माइनस 8a माइनस k i इज इक्वल टू 0 ये मेरा कंडीशन है। तो जैसा दिया वैसे मैं लिखूंगा। a स्क्वायर यानी के a इंटू a स्क्वायर माइनस 8a माइनस k i इज इक्वल टू 0 मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखना है। अब a का वैल्यू है 1, 0, -1, 7 a स्क्वायर माइनस 8a 1, 0, -1, 7 k का वैल्यू नहीं, k नहीं, i का वैल्यू है 1, 0, 0, 1 आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। I का मतलब आइडेंटिटी, जिसमें डायगनल में 1 और नॉन डायगनल 0 होगा। ऑर्डर 2×2 का आएगा बिकॉज सबका ऑर्डर वही है, समझाइए। और यहाँ पे 0, 0, 0, 0 चार बार क्यों लिखा? क्योंकि 0 मैट्रिक्स का भी ऑर्डर 2×2 बोला है। क्लियर? चलिए ठीक है। शाहरुख काजल बोले तो यहाँ पे आएगा आंसर 1, 1 जा 1, -1 सॉरी 0 हो जाएगा। 1, 1 जा 1, 1, 0 जा 0 हो जाएगा। ये पहला वैल्यू 0 प्लस 0 1, 0 जा 0, 0, 7 जा 0 बराबर। सेकेंड शाहरुख -1, -7 इधर 7 है ना, अरे समझा। -0 प्लस 7, 7 जा 49 अंडरस्टूड। शाहरुख काजल 1, 0 जा 0, 7, 7 जा 49 क्लियर है। माइनस 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 8, 0, -8, 7, 8 जा 56 इज माइनस के आई 1, 0, 1 इज इक्वल टू, इसे जैसा है वैसे ही लिख रहा हूं, इसे कुछ भी चेंज नहीं। चलिए इसको सॉल्व करते। 1, 0, -8, 49 माइनस 8, 0, -8, 56 माइनस k 1, 0, 0, 1 इज इक्वल्स टू 0, 0, 0, 0 अब माइनस करना है 1, -8, -7 बराबर है 0, -0, 0 इधर माइनस माइनस प्लस 8, -8, 0 49, -56 करोगे तो आपको आ जाएगा 7 बराबर है। बिगर नंबर साइन माइनस 7 माइनस के 0, 0 के ठीक है इक्वल्स टू 0, 0, 0, 0 अब माइनस करना है तो आएगा -7, -0, 0, -7, -k इज इक्वल टू 0, 0, 0, 0 कोई भी एक वैल्यू देखो दोनों में सेम ही है। इधर भी देखो इधर भी देखो तो मैं ऐसा लिख सकता हूं -7, -k इज इक्वल टू 0 इक्वल है ना मैट्रिक्स। ये इसको इक्वल, ये इसको इक्वल, ये इसको इक्वल, ये इसको इक्वल। अरे समझा ना क्या किया? तो -7 इज इक्वल टू k, k का ही तो वैल्यू फाइंड करना था। अरे बात समझा। क्वेश्चन नंबर 10 ए दिया है। प्रूव दैट a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i इज इक्वल टू 0 वेर i इज 2×2 यूनिट मैट्रिक्स। मेरे हिसाब से ये आपको असाइनमेंट कर लेना चाहिए क्योंकि अभी सेम टू सेम आपने किया लेकिन वो k के फॉर्मेट में था। यहाँ पे आपको a स्क्वायर सॉल्व करना है, 5a सॉल्व करना है, 7i 7 और i का वैल्यू क्या रहेगा? 1, 0, 0, 1 रहेगा।
सेवन, जैसे के से मल्टीप्लाई किया सेवन से मल्टीप्लाई करोगे और उसका आंसर आपको पूछा है क्या आना चाहिए will be equal to zero, मतलब आप जब इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर फाइनल आंसर क्या रहेगा, जीरो आएगा। अगर ऐसा आया है तो प्रूफ करना है, नहीं तो फिर नॉट इक्वल टू जीरो लिख देना। क्लियर, जीरो इक्वल आएगा ही। ओके विद दिस, तो ये आप असाइनमेंट में ले लो। बढ़ता हूं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। ए दिया है, बी दिया है, एंड इफ ए प्लस बी द होल स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, फाइंड द वैल्यू फॉर ए एंड बी। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। चलिए बताइए क्या दिया है आपको, ए का वैल्यू दिया है कुछ, लिख लेता हूं, वन टू माइनस वन माइनस टू, ये ए दिया है, और वैसे ही आपको बी भी दिया है, बताइए टू ए माइनस वन बी, ये आपको बी मैट्रिक्स दिया है, बराबर है। और एक चीज दिया है, इफ ए प्लस बी द होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऐसा है तो ए और बी का वैल्यू फाइंड करो। कुछ लोग इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, कुछ लोग इसे ए प्लस बी पहला करेंगे, ए प्लस बी का एक मैट्रिक्स आएगा उसका स्क्वायर, मतलब ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी करेंगे, फिर ए स्क्वायर बी स्क्वायर करेंगे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर करेंगे, ए का स्क्वायर करेंगे बी का स्क्वायर, और फिर प्लस करेंगे, दोनों को इक्वल करेंगे और ए और बी का वैल्यू फाइंड कर। लंबा प्रोसेस है, अपन शॉर्ट में करेंगे। शॉर्ट में क्या करेंगे, ए प्लस बी द होल स्क्वायर जब मैंने देखा तो मेरे को एक बचपन का फॉर्मूला याद आया, जिसे तुमको बचपन का प्यार याद आता है, अपने को फॉर्मूला याद आता है, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, ऐसा कुछ आपने बचपन में पढ़ा था, है ना। तो ये फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे हम लोग और इसको और अच्छे से लिखता हूं, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अरे कलता है, क्या किया मैंने, टू ए बी को स्प्लिट किया, एक बार ए बी एक बार बी ए, तो मतलब तो एक ही है। अरे समझा, अब देखो ये कैंसिल और ये कैंसिल हो जाएगा, अरे समझा, देर ए बी प्लस बी ए इज इक्वल टू जीरो, देर ए बी इज इक्वल टू माइनस बी ए, इतना सॉल्व करो तो भी ए और बी का आंसर मिल जाएगा। अब आप कौन सा सोपा वाटता है वैसा करने का, इधर ए प्लस बी द होल स्क्वायर करके फिर ए स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल करके ए बी फाइंड करना है तो भी करो, या तो ये मैं तो ये करेगा, ए बी निकालूंगा बी ए निकालूंगा, बी ए को माइनस करूंगा और ए और बी का वैल्यू फाइंड करूंगा, ठीक है। पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर रहा हूं, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ए बी, ए बी का मतलब ए बी, ए का वैल्यू वन टू माइनस वन माइनस टू, टू ए माइनस वन बी, अरे बराबर, ध्यान से, शाहरुख काजल मल्टीप्लाई, तो ये होएगा वन नहीं सॉरी टू प्लस माइनस टू, टू वन जा टू प्लस टू वन जा टू बट माइनस टू, ए प्लस टू बी, वन इंटू ए टू इंटू बी टू बी, अरे ये समझा, क्लियर, माइनस वन इंटू टू माइनस टू प्लस टू हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, माइनस ए माइनस टू बी, अरे समझा। इसके आगे इसको अगर अच्छे से सॉल्व करना तो ये जीरो, ये भी जीरो, तो इधर आंसर आएगा आपको ए प्लस सॉरी ए बी का आंसर आएगा जीरो, ए प्लस टू बी जीरो माइनस ए माइनस टू बी, अरे ये समझा क्या, अरे कलता है प्रोजेक्टा। अभी क्या फाइंड करने का है, राइट हैंड साइड, चलिए राइट हैंड साइड पे जाते, राइट हैंड साइड में क्या है जरा देखो, तो राइट हैंड साइड में है माइनस बी ए, तो पहले मैं बी ए फाइंड, बी ए दैट इज इक्वल्स टू, बी का वैल्यू क्या है, टू ए माइनस वन बी, वन टू माइनस वन माइनस टू, बराबर शाहरुख काज, चलिए ठीक है बताइए क्या आएगा आंसर, टू प्लस माइनस ए बराबर है फोर माइनस सॉरी प्लस
माइनस टू ए, अरे बराबर, चलिए माइनस वन प्लस माइनस बी, माइनस टू प्लस माइनस टू बी, बराबर है ना। चलिए देखते अब क्या हो रहा है, टू माइनस ए, फोर माइनस टू ए, माइनस वन प्लस नहीं माइनस बी, माइनस टू माइनस टू बी, ये मुझे बी ए आया, अब मुझे माइनस बी ए फाइंड करना है। माइनस बी ए का मतलब है माइनस टू माइनस ए, फोर माइनस टू ए, माइनस वन माइनस बी, माइनस टू बी। अरे समझा, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस बी ए का फॉर्मूला के हिसाब से माइनस टू प्लस ए, माइनस से मल्टीप्लाई किया इधर, माइनस फोर प्लस टू ए, वन प्लस बी, अरे समझा ना, टू प्लस टू बी, ये और ये दोनों क्या है, इक्वल है। ये मेरा इक्वेशन वन है, ये मेरा इक्वेशन टू है, तो दोनों तो इक्वल है। अब जब दोनों इक्वल है तो आप क्या करोगे, दोनों को साथ में लिखोगे, मतलब ए बी इज इक्वल टू माइनस बी ए, दैट इज जीरो ए प्लस टू बी, फिर जीरो माइनस ए माइनस टू बी इज इक्वल्स टू माइनस टू प्लस ए, माइनस फोर प्लस टू ए, वन प्लस बी, टू प्लस टू बी। अब अच्छा कौन सा इक्वल है ना, तो कौन सा इजी लगेगा जिसे ए और बी मिलेगा, बोलूंगा सर पहला वैल्यू जीरो के साथ दूसरा वैल्यू इसके साथ कर दो, ए और बी का आंसर आ जाएगा। ये भी कर सकते हो साइमल्टेनियसली सॉल्व करके, बट उतना पीछे कौन पड़ेगा, डायरेक्टली जीरो इज इक्वल टू माइनस टू प्लस ए, एंड जीरो इज इक्वल टू वन प्लस बी, माइनस टू इधर आएगा तो प्लस, टू इज इक्वल टू ए, ए का वैल्यू प्लस वन माइनस वन इज इक्वल टू बी, अरे आ गया ए और बी का आंसर। अरे समझा, बढ़ते क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ, देखते क्या दिया है, फाइंड के इफ ए का वैल्यू दिया है एंड बोला है ए स्क्वायर जो है इट इज इक्वल्स टू के टाइम्स ऑफ ए माइनस टू आई, सिंपल, ए का वैल्यू बोलो क्या है, थ्री माइनस टू, फोर माइनस टू, बराबर। और कुछ दिया है क्या, नहीं सर और कुछ नहीं दिया है, कंडीशन दिया है, कंडीशन क्या दिया है, ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू के ए माइनस टू आई। अब अच्छे से लिखना तो लिख सकते, नहीं तो ऐसे लिखो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू के ए माइनस टू आई है, तो मैं ए स्क्वायर के जगह पे ए इंटू ए लिखूंगा, ठीक है, इज इक्वल्स टू के ए लिख दूंगा माइनस टू आई, प्रोसेस समझ में आ रहा है, ए का वैल्यू थ्री माइनस टू, फोर माइनस टू, थ्री माइनस टू, फोर माइनस टू, के थ्री माइनस टू, फोर माइनस टू, वन जीरो जीरो वन, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, शाहरुख है, काजल, यहां पे आंसर क्या आएगा, नाइन माइनस सॉरी प्लस माइनस एट, थ्री थ्री जा नाइन प्लस फोर टू जा एट, बराबर ना, इधर आ जाएगा माइनस सिक्स प्लस फोर, माइनस नहीं प्लस फोर हो जाएगा ना, बॉक्स खत्म, यहां पे ट्वेल्व प्लस माइनस एट, माइनस एट प्लस फोर, अरे बराबर, इज इक्वल्स टू थ्री के माइनस टू के, फोर के माइनस टू के, माइनस टू जीरो जीरो टू, अरे समझा गया, चलिए ठीक है, देर फोर वन टू माइनस में फोर माइनस फोर प्लस टू जीरो जीरो टू इज इक्वल्स टू थ्री के माइनस टू के फोर के, कहां से आया, प्लस माइनस था वो इधर आ गया, प्लस हो गया,
प्लस तो डायरेक्टली होता है 1 प्लस 2, माइनस 2 प्लस 0, माइनस 2, हाँ वो प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया, 2, 4, माइनस 2 इज इक्वल्स टू 3k माइनस 2k, 4k, 2k, इक्वल, ये इक्वल, ये इक्वल, सब जिसको इक्वल करने का उसको कर दो, 3 इज इक्वल टू 3k, माइनस 2 इज इक्वल टू 2k, अपने को तो यही फाइंड करने का है, सब में से आंसर सेम आने वाला है, कोई भी एक यूज कर लो, ये वाला यूज कर लिया, 3 अपॉन, अच्छा शुक्रिया, 1 आएगा, बस समझा, अरे समझा, वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के तरफ, फाइंड एक्स एंड वाई, और बहुत सारा ब्रैकेट वगैरह ऐसा सब बना के दिया है, कॉम्प्लिकेट कर दिया है, तो ज्यादा दिल पे लेने का नहीं, 13 वाला बता दो, पहला सीधा बॉक्स क्या कर्ली ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट, चलिए कर्ली ब्रैकेट बन गया, फिर उसके अंदर 4 है, फिर स्क्वायर ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट में है 2 माइनस 1 3 1 0 2 स्क्वायर ब्रैकेट कंप्लीट, माइनस फिर से स्क्वायर ब्रैकेट, बोलिए 3 माइनस 3 4 2 1 1 ब्रैकेट कंप्लीट, कर्ली ब्रैकेट कंप्लीट, फिर स्क्वायर ब्रैकेट 2 माइनस 1 1 इज इक्वल्स टू एक्स वाई, बस दो ही, चलिए नॉर्मल दिल पे लेना नहीं, 4 से इसको मल्टीप्लाई करो, 4 से इसको मल्टीप्लाई, जो भी आंसर आएगा उसको इस ब्रैकेट के साथ सॉल्व करें, ठीक है, 8 माइनस 4 12 4 0 8 माइनस 3 माइनस 3 4 2 1 1 2 माइनस 1 1 इज इक्वल्स टू, ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है, 8 में से 3 जाएगा 5 आएगा, 4 माइनस माइनस प्लस, 4 में से 3 जाएगा तो माइनस 1, 12 माइनस 4 8, 4 माइनस 2 2, 0 माइनस 1 माइनस 1, 8 माइनस 1 7, 2 माइनस 1 1 इज इक्वल्स टू एक्स वाई। अब इनके बीच में क्या है, मल्टीप्लीकेशन, और दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन मतलब शाहरुख काजल करना पड़ेगा, तीन वैल्यू है ना, तो 10 प्लस 1 प्लस 8, कॉलम खत्म बॉक्स खत्म, 4 प्लस 1 प्लस 7 इज इक्वल्स टू एक्स वाई, 10 प्लस 1 11 प्लस 8 19, और इधर आ जाएगा 12 इज इक्वल्स टू, बोलो एक्स का आंसर, y का आंसर हो गया सब, अरे समझा, देखते क्वेश्चन नंबर क्या दिया है 14 में, तो फाइंड x एंड y इफ सेम, मतलब जैसा आपने अभी 13 सम किया है वैसा ही सेम सम 14 है, तो ये भी आपका असाइनमेंट है, बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ, देखते क्वेश्चन 15 क्या दिया, जय एंड राम आर टू फ्रेंड्स, जय वॉन्ट्स टू बाय 4 पेन एंड 8 नोटबुक, Ram wants to buy 5 pen and 12 notebook. The price of 1 pen and 1 notebook is 6 and 10. Ijjat se, using the matrix multiplication, find the amount each one of them required for buying the pen and notebook. Ab pehle to samajhte hai kya? Do friend hai. Ek banda hai Jay aur dusra hai Ram. Inko kya kharidna hai? पेन और नोट, बराबर है, जय को कितना पेन खरीदने का है और नोटबुक, राम को 5 और 12, बराबर है, अब ये खरीदने के लिए कॉस्ट बोला है, पेन का कॉस्ट 6 रुपए और नोटबुक का कॉस्ट कितना,
10 है। अब इसे मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखना है, तो मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, तो मैट्रिक्स ए ले लेता हूं, 4, 8, 5, 12, जो पहला रो है वो जय का है और जो दूसरा रो है वो राम का है। मैट्रिक्स बी ले लेता हूं कॉस्ट के लिए, 6 और 10, हमेशा कॉस्ट रो नहीं बनेगा कॉलम बनेगा, कॉस्ट मैट्रिक्स इज ऑलवेज अ कॉलम मैट्रिक्स, क्यों, क्योंकि आपने जो प्रेजेंट किया है जो लेना है उसे रो में प्रेजेंट किया है, हमने इसको रो में प्रेजेंट किया है, तो पहला मैट्रिक्स अगर रो है तो दूसरा मैट्रिक्स हमेशा कॉलम ही रहेगा मल्टीप्लीकेशन के अंदर, शाहरुख और काज। तो अगर मुझे जय का कॉस्ट निकालना तो जय का ये रो मैट्रिक्स है और तो उसका ये क्या है कॉलम मैट्रिक्स, कॉस्ट तो सबको सेम ही आने वाला है, देर मल्टीप्लाई करेंगे तो देखते हैं क्या होगा, 4, 6, 24, 8, 10, 18, 5, 6, 30, 12, 10, 120, देयरफोर इसका कॉस्ट आ जाएगा 104, 156। तो आंसर है जय को नोटबुक एंड पेन लेने के लिए 104 रुपया खर्चा करना पड़ेगा एंड राम को नोटबुक एंड पेन लेने के लिए 156 खर्चा करना, इधर 150 आएगा, वेरी गुड, क्योंकि ये 120 है, समझ में आया ये, अरे समझा, हो गया सब क्लियर है। आई जस्ट होप आपको वीडियो पसंद आए, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।